हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट डिश आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। फिर मैंने बंद गोभी के ऊपरी वाले पत्ते को निकाल दिया है। उसके बाद इसको चार बराबर भागों में काट के एक कढ़ाई में उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ। इसके साथ ही मैं एक कप काजू, दो प्याज, दो टमाटर, जीरा, मिर्च, लहसुन और अदरक सबको साथ ही बंद गोभी के साथ ही डालकर उबाल लेना है। इसमें थोड़े से पानी डालकर बंद गोभी को ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही हमारा बंद गोभी सॉफ्ट होगा हम बंद गोभी को निकाल लेंगे। बंद गोभी को ज़्यादा पकाएंगे तो फिर हमारी पनीर जमेगी नहीं, तो इस वजह से बंद गोभी जैसे ही सॉफ्ट होगा हम पहले बंद गोभी को निकाल कर उसका एक प्यूरी बना लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा बंद गोभी सॉफ्ट हुआ या नहीं। तो चलिए सॉफ्ट हो गया है, अब हम बंद गोभी निकाल लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही बंद गोभी हमारा ठंडा होगा जब हम प्यूरी बनाएंगे। और बंद गोभी को आप ऐसे रखें कि तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल कर बाहर आ जाए। तो देखिए मैं कैसे रखी हूँ, आप भी ऐसे ट्राई करिए। तो बंद गोभी का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। उसमें कुछ केशु भी मैंने डाल दिया है। केशु डालने से इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी, बिल्कुल पनीर के जैसी ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी का प्यूरी बना लिया है। इसमें आप बिना पानी का ही पीसें, और बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए, स्मूथ सा पेस्ट। तो इसमें मैंने यहाँ पे चावल का आटा मिलाया है, तो आप यहाँ बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन बेसन से हमारा कलर पनीर का येलो आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा मिलाया। चावल का आटा जितना लगे आप उसमें ज़रूर डालें। हमारा बैटर जो है बिल्कुल थिक होना चाहिए। आप पतला बैटर रखेंगे तो फिर ये हमारा बैटर जो है जमेगा नहीं, इस वजह से आप इसको थिक रखें, बिल्कुल इसी तरह। और फिर मैंने एक प्लेट में ग्रीस कर लिया है और फिर हम अपने बैटर को पतला फैला लिए। और इधर गर्म पानी करने चढ़ा दी हूँ। गर्म पानी जैसे ही उबल जाएगा इसमें मैं प्लेट सेट कर दूँगी। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि एक बैटर मोटा रखना है और पतला फैलाना है प्लेट पे, जब ही ये हमारी जल्दी जमेगी पनीर। फिर जब तक वो हमारा उधर पनीर जम रहा है इधर मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, करीब 3 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। कुछ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए तो फिर तेल तो ज़्यादा थोड़ा डालना ही होता है, जब ये टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने उसमें जीरा, तेज़पत्ता और हींग का छौंक लगा दिया है। और फिर मैंने इधर जो सारा मसाला ग्राइंड करके रखी थी, जितना भी हमारा उबालने में जो भी मसाला हमारा बचा था उसको छान के पानी, वैसे तो मसाले भूनने में वही पानी हम यूज करेंगे, उबालने के टाइम जो हमारा पानी बचा था, तो सारा मसालों को मैंने ऑयल सेपरेट होने तक पका लिया। और साथ ही अब नमक, हल्दी और कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। देखिए हमारे गर्म पानी में, हमारे ग्रेवी में भी उबाल आ गया है। तो ये हमारा तैयार हो गया। उधर हमारा पनीर भी रेडी हो गया था, तो इसमें मैंने उसको कट करके फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने फ्राई करे। वैसे तो आप बिना फ्राई करे भी डाल सकते हो। ऐसे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। घर पे पनीर नहीं है तो फिर भी आप पनीर का मज़ा ले सकते हैं। और जो बंद गोभी नहीं खाते हैं ना, वो भी नहीं, वो भी पूरे भर प्लेट खाएंगे। और चलिए बंद गोभी की एक नई डिश की आप भी मज़ा लें, और बिल्कुल मेरी तरह ही बनाएँ। और अपने कमेंट्स में हमें अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी नई डिश कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।